सब्सक्राइब कीजिए ऑल इन वन कंप्यूटर सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मिले हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शिवम गहिरे और ऑल इन वन कंप्यूटर सॉल्यूशन में दोस्तों आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में मैं आप सभी को एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताने वाला हूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सभी को बता देना चाहूंगा कि प्रॉब्लम क्या है और किसका मैं सॉल्यूशन आपको बताने वाला हूं। तो जब भी हम हमारे ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव में, मतलब यहां पर जब हम हमारी डीवीडी कोई इंसर्ट करते हैं इस ऑप्टिकल ड्राइव में, तो क्या होता है दोस्तों, ये हमारा जो डीवीडी का आइकॉन है, हमारे डीवीडी राइटर या फिर रीड का, तो वहां पर हमारी डीवीडी जो है वो रीड ही नहीं होती है या फिर बहुत टाइम लेती है रीड होने में, या फिर कभी कभार रीड ही नहीं होती है। और जब भी हम हमारी डीवीडी इंसर्ट करते हैं तो ये डीवीडी का आइकॉन हमारा जो है वो हाइड हो जाता है, मतलब गायब हो जाता है। तो इस तरीके के प्रॉब्लम्स को अगर आप फेस कर रहे होगे तो इस वीडियो में मैं आप सभी को इसका सॉल्यूशन बताने वाला हूं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास एक डीवीडी है दोस्तों, हम उसे इंसर्ट करते हैं हमारे ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव में कुछ इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से हमने उसे इंसर्ट कर दिया है यहां पर और इसे हम इंसर्ट करते हैं दोस्तों, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो आप यहां पर आवाज सुन पाओगे, सिर्फ हमारी डीवीडी जो है वो इंसर्ट हुई है लेकिन यहां पर रीड नहीं हो रही है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए इसी बात का सॉल्यूशन मैं आप सभी को बताने वाला हूं, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आपका कंप्यूटर पूरी तरीके से शट डाउन करना है, ठीक है, आपका सिस्टम। तो शट डाउन करने से पहले आप आपके डीवीडी को यहां पर कुछ इस तरीके से, ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव को इस तरीके से बाहर ले लीजिए और उसके बाद में आप पीसी को शट डाउन कर दीजिए ताकि आप बाद में ऑप्टिकल ड्राइव को बाहर ही रख सके, ठीक है। तो आपको यहां पर आपका पीसी शट डाउन करना है। चलिए हम हमारा पीसी शट डाउन करते हैं, उसके बाद में मैं आपको अगली प्रोसेस बताता हूं। तो यहाँ पर हमारा सिस्टम जो है वो पूरी तरीके से शट डाउन हो चुका है दोस्तों। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, आपकी जो डीवीडी है उसे रिमूव कर लेना है, ठीक है, आपको उसे रिमूव कर लेना है। रिमूव करने के बाद में आपको क्या करना है, कुछ इस तरीके का कॉटन आपको यहाँ पर लेना है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पाओगे, और एक पानी लेना है, मतलब वाटर, और यहाँ पर आपको कॉटन लेना है। ये दो चीज़ें आपको लेनी है कुछ इस तरीके से। और ज़्यादातर प्रॉब्लम ये क्यों आता है मैं आप सभी को फर्स्ट ऑफ ऑल वो बता देना चाहूँगा, बिकॉज ऑफ यहाँ पर जो हमारी लेंस होती है दोस्तों हमारे ऑप्टिकल ड्राइव पर, वो लेंस हमारी जो है उस पर डस्ट आ जाती है या फिर कभी कभार ज़्यादा यूज़ ना होने की वजह से उस पर डस्ट जमा हो जाती है या फिर कार्बन आ जाती है, तो वो रीड यहाँ पर नहीं कर पाती है अच्छे से, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो यहाँ पर जो कॉटन लिया है कुछ इस तरीके से, उसको आपको पानी में भिगोना है कुछ इस तरीके से, हल्का सा, ठीक है। उसका पानी आप निकाल लीजिए कुछ इस तरीके से प्रेस करके, ठीक है, और हल्का सा आप उसे रहने दीजिए, ठीक है। और उसके बाद में आपको क्या करना है, जो आपके ऑप्टिकल ड्राइव की लेंस है यहाँ पर, ये रही यहाँ पर, तो आपको इसे हल्का सा साफ कर लेना है डस्ट से, ठीक है, कुछ इस तरीके से। ज़्यादा प्रेस आपको नहीं करना है, ठीक है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप यहाँ पर हल्के हाथ से यहाँ पर इसे इस तरीके से साफ कीजिए, क्लीन कीजिए, ठीक है, केयरफुली, क्योंकि ये बहुत नाजुक होती है, इस पर ज़्यादा प्रेस आप मत कीजिए, ठीक है। इस तरीके से आप इसे क्लीन कर लीजिए पूरी तरीके से, और यहाँ पर आप देख पाओगे मैं किस तरीके से किसे क्लीन कर रहा हूँ, आपको इसी तरीके से इसे क्लीन करना है, ठीक है।